तो फाइनली मैं अभी डेयर पार्क से निकल के आ चुका हूँ हौज खास के मार्केट। तो अखिल भाई यहाँ पे बार वगैरह भी काफी है, मैंने बहुत सारे अनलिमिटेड भाई अनलिमिटेड रहो ना। तो भाई अभी ऑफलाइन लिए 4 बंदों की टिकट लिए जो की पड़ी 80 रुपए की। तो पहला जो अपना यहाँ से तो एंटर करेंगे राइट साइड से, पहला होता है हमारा होता है 3 गुम्बद वाली इमारत, और यहाँ पर कपल भी बैठे रहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ से, तो अभी मेरे सामने है अलाउद्दीन खिलजी का जो शाही तालाब बोल सकते हैं इसको। तो अभी चलते हैं आगे की और देखते हैं और अभी क्या क्या है यहाँ पर। एक भाई एक नंबर व्यू है यहाँ का, एक नंबर इसे कहते हैं। तो अभी हम आ गए हैं मस्जिद की तरफ, ये है पहला मस्जिद का जो राइट साइड का ऊपर हिस्सा होता है। क्या बात है भाई, देखो यहाँ से देखो भाई, देखो कहाँ कहाँ से रास्ते, देखो कहाँ कहाँ अंदर जाने के रास्ते भाई साहब। और कपल का स्पोर्ट भी काफी अच्छा है, देखो एक पॉलिशन बना हुआ है। इतने में मेरे पैंट टाइट हो गए भाई, गगन भाई क्या नेचर लग रहा था, हॉरर सीन एकदम। लास्ट है इसके अंदर है आपका अकबर का मकबरा। तो ये है फिरोज शाह अकबर का मकबरा, पहला जो हर कहीं मिलता है आपको। स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, वही आकर्तिक मुस्लिम कल्चर में जो अपनी लैंग्वेज यूज करी जाती है उर्दू। तो फाइनली मैं अभी डेयर पार्क से निकल के आ चुका हूँ हौज खास के मार्केट। जो मार्केट जो पहले स्टार्टिंग होती है यहाँ पर बियर बार है, रेस्टोरेंट और भी बहुत सारी शॉपिंग के लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है। और रिच पीपल जो ज़्यादा यहाँ से शॉपिंग करते हैं, और तो और यहीं अपना एंट्री गेट है, तो यहाँ से एंट्री करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पर कितनी कितनी अंदर वाली चीज़ें, जगह है घूमना फिरना, रेस्टोरेंट बार है। आइए देखते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। तो अखिल भाई यहाँ पे बार वगैरह भी काफी है, मैंने बहुत सारे अनलिमिटेड भाई अनलिमिटेड रहो ना, लाइन से लगे पड़े कपड़े क्लोथिंग बार रेस्टोरेंट सारे भैया फुल मजे है यहाँ पर। फुल अय्याशी भाई, फुल अय्याशी यहाँ पर, अय्याशी का अड्डा कह सकते हैं बेसिकली। हाँ हाँ इसको भी कह सकते हैं यहाँ पर अय्याशी का अड्डा। तो अखिल भाई यहाँ पे टिकट वगैरह को पूछ लो कहाँ से गए कैसे है। भाई कह रहे हैं कि टिकट सामने मिलती है, चल के देखते हैं कितने रुपए की टिकट है, कैसे है क्या है, अंदर जाके किला देखेंगे। तो ले लो पर पर्सन कितने रुपए की टिकट है भाई, 25 रुपए पर पर्सन टिकट है लिखा हुआ है साफ साफ। तो भाई अभी ऑफलाइन लिए 4 बंदों की टिकट लिए जो कि पड़ी 80 रुपए की। तो चलेंगे अब यहाँ से लेफ्ट साइड की ओर, चलिए अखिल भाई। तो भाई ये एंट्री गेट है जैसा कि आप देख सकते हैं, हौज खास का जो किला है आपको ऐसा एंट्री गेट देखने को मिलेगा यहाँ पर। वाह बहुत ही क्या खूब नज़ारा है। तुम्हारा भाई आ चुका है, अब अलाउद्दीन के खिलजी का जो मकबरा था या मदरसा था, जो जहरी जो गहरी जो झीलें हैं तालाब हैं और जो मस्जिदें हैं उसने बनाई थी। अभी हम वाघा ब्लॉक बना रहे थे, अभी वहीं से आगे अपना अंदर का ब्लॉक बनाएंगे यहाँ पर। तो यही है वो अपना अलाउद्दीन खिलजी का मगर इसमें जो उसने चीज़ें बनाई थी, 3 गुम्बद वाली मीनारें हैं सारी, तो राइट साइड में 3 गुम्बद वाली मीनारें हैं ठीक है। यहाँ इसके बाद पूरा गार्डन है, उधर मस्जिद है, मदरसे भी हैं यहाँ पर, और पीछे इस तरफ में इधर मस्जिद भी है मदरसा भी है, पीछे उसकी झील है जो पानी का टैंक है, उधर मस्जिद इधर झील है। तो आओ देखते हैं इसके अंदर रिव्यू बनता है कैसा ब्लॉग बनता है यहाँ पर, देखते हैं। तो पहला जो अपना यहाँ से तो आप एंटर करेंगे राइट साइड से, जो पहला होता है हमारा होता है 3 गुम्बद वाली इमारत, वो हमारी ये है 3 गुम्बद की इमारत, ये हमारी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका, एक गुम्बद ऊपर है, एक इधर है, एक 3 इधर है। तो यहाँ से इसको एंटर आ जाओ, तो अपनी एक गुम्बद ये है और यही इसकी मस्जिद भी है, पार्टीशन कर रखे थे इसके अंदर मस्जिद के लिए। तो ये एक तरह का कैबिन है, मान लो चैम्बर खिंचा हुआ है, एक पार्टीशन ये हो गया, एक पार्टीशन ये है, ऐसे करके यहाँ बैठते थे। और यहाँ पर अलाउद्दीन जो खिलजी ने मस्जिद बनाई थी, मस्जिद में जो एजुकेशन थी अपनी उर्दू की जो एजुकेशन थी वो यहाँ दिया करते थे, जैसे कि अपना क्या कहते हैं जो सिपारा पढ़ने आते थे या नमाज की जो चीज़ें सीखने के लिए होती हैं वो सीखते थे। मुस्लिम कल्चर में जितने भी जो रिलीजन में सिखाया जाता था वो यहीं सिखाया जाता था, और ये अलाउद्दीन खिलजी ने खुद बनाया था इसको। तो तीसरा है इसका ये तीसरा गुम्बद ये, तो यही 3 मीनार वाली गुम्बद और प्लस मदरसा यही है इसका। अभी इसके बाद चलेंगे आगे,
तो अभी तीन मीनार की जो गुम्बद थी वहीं उसका मस्जिद थी, मस्जिद का अपना दिखा दिया, रिव्यू बना ये है, काफ़ी अच्छी मस्जिद है बनाई है, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी अच्छी इमारतें बनवाई हैं। और अभी इससे थोड़ा सा आगे आएंगे, देखते हैं, और यहाँ पर कपल भी बैठे रहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए यहाँ से। और इसके जैसे पीछे है अलाउद्दीन खिलजी ने जो बनाया था, या नहर बोल लो या वाटर टैंक जो उसको चाहिए था पानी का, वो उन्होंने यहाँ बना रखा है। तो अभी मेरे सामने है अलाउद्दीन खिलजी का जो शाही तालाब बोल सकते हैं इसको, हौज खास के अंदर जो पानी का जो उसने अपने बनाया था स्ट्रक्चर, वो सामने है, और इसी के नीचे पानी की किल्लत जो पूरी दूर कही गई थी, यही अलाउद्दीन खिलजी का पानी का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो नीचे इसके इमारत बनी हुई है, नीचे दिखा दो, राइट साइड में दिखा दो। तो अभी चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं और अभी क्या क्या है यहाँ पर। एक मस्जिद भी है, अभी बने रहे इस ब्लॉक का डेली वाली ब्लॉक, आओ भाई बहन। अंकल रोक लो एक मिनट भाई, ध्यान से नहीं, गिलहरियाँ हैं, गिलहरियाँ। भाई एक नंबर व्यू है यहाँ का, एक नंबर इसे कहते हैं। ऐसा निकलने का है, ऊपर जाने का है क्या? फंस जाओगे। क्या चीज है यहाँ पे? कितनी है? कुछ तो होगा भाई, यही एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। है क्या चीज ये तो बताओ भाई। बताएंगे, रुक जाओ। ये है मस्जिद की ना, मदरसे की दूसरी इमारत है ये। यहाँ पे ना क्रिकेट खेला करते थे। देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, देखो गगन भाई, ये देखो, देखो ये अपनी मस्जिद बनी हुई है सामने, इधर देखो, ये सामने मस्जिद का पार्टीशन है जो हम जहाँ पे खड़े हैं, ये मस्जिद का दूसरा जो उत्तरी जो पार्क में पहली बिल्डिंग खड़ी है ना, सामने मस्जिद है, ये बंद कर दी गई है शायद अभी, सारा मस्जिद का एरिया सारा वो, ठीक है नहीं, वहाँ नमाज होती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद को बनाया था, और मस्जिद देखो नीचे वाला पार है, उधर पानी का सोर्स है सारा का सारा, वो सारी मस्जिद है, पहला पार्टीशन वो है, फिर नीचे का सारी मस्जिद है। अभी वहाँ भी चलेंगे, देखते हैं। शकील भाई, हाँ जी, पहले की इमारतों में बड़ा दम होता था। तो भाई जो जितना भी, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो पहले जितनी भी चीज़ें बनी हुई थी, पहले के जो टेक्सचर थे, या जिस कभी भी 12वीं सदी में जो चीज़ें बनी होती थी, काफ़ी पक्की, देखो ना अभी, देखो देखो चूना पत्थर की, देखो देखो ना किस तरह से, कोई सीमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, कितनी अच्छी चिपके हुए पत्थर एक साथ। और दूसरा, इस अलाउद्दीन खिलजी ने का जो मकबरा है यहाँ पर, मस्जिद है, मदरसा है, तीन गुम्बती है, पीछे उसका नहर है, पानी का सोर्स जो उन्होंने बनाया था अपने लिए, साम्राज्य के लिए, और उसके एक मस्जिद भी है, मस्जिद से अभी आगे चलेंगे। तो अपना कहना बस यही है, ब्लॉकिंग का जो एरिया है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हमारे अट्रैक्शन भी लगता है, और तो और हमारे को मज़ा भी इसलिए आता है, तो हमारे को स्टोरी जानना, बताना, लिखना, पढ़ना, और मुझे तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं इसी चीज़ को कंटेंट बना के अपना आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको कुछ लगता है जी मेरे तो कुछ छूट गया है, या मुझे पता नहीं है, तो मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, प्लस अपनी जैसा भी आप व्यू चाहते हैं आप मुझे वहाँ का अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कि आपको कौन सा ब्लॉग्स पसंद आया, या कौन सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा, आप मुझे वो भी कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालेंगे साथ, जो हमारी कमी पेशी हो आप पूरी कर सकते हैं। मेरा जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्रेंड रहता है आपके ब्लॉग के ऊपर, कि कंटेंट में आपको एक से एक दूँ, ताकि आपको मनोरंजन भी करूँ, हंसी भी आए, और आपको इतिहास की चीज़ों के बारे में जानने का थोड़ा सा पता भी चले। तो किसने क्या बनाया था, कब बनाया था, क्यों बनाया था, हौज खास का मैं बता दूँ आपका, हौज खास का जो नाम पड़ा था अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा। हौज का मतलब होता है एक पानी का जो एरिया होता है सोर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं हौज खास, मतलब रॉयल, यानी कि हौज खास, हौज पानी की रॉयल, जो अलग जो बंदो रॉयल जो होया करते, हौज खास वहाँ उन्होंने नाम दिया था, उसी के नाम से अलाउद्दीन के उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी साहब ने उसको नाम दिया था, उसी से मैटर हो, यहीं उसका अलाउद्दीन कहते हैं, उसका जो जितना भी एक्सट्रक्चर बना हुआ है हौज खास के अंदर ही बना हुआ है। तो चलते हैं अभी आगे की ओर, देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर है। तो अभी हम आ गए हैं मस्जिद की तरफ, यह है पहला मस्जिद का जो राइट साइड का ऊपर हिस्सा होता है, देखते हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। तो मस्जिद का जो ऊपरी पार्टीशन है वो ये है, और इसके बराबर से अभी निकल के चलेंगे यहाँ से। भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और लोग भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वाह। तो यहाँ से निकल के बाहर आ गए हम, अच्छा रास्ता यहाँ से है, तो अपना
भाई काफ़ी बढ़िया मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा व्यू है। बट अभी ओ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह देखो, तो हालांकि स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, पुराना है, मस्जिद का काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर भी है और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। गगन भाई एक नंबर ब्लॉग है भाई, क्या बात है भाई, देखो यहाँ से देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है। अभी हम आते हैं तो यही अलाउद्दीन खिलजी साहब का जो तालाब था, पानी का सोर्स था अपने उन्होंने, आज अच्छा लेंगे भाई आज। देखो एक कबर यहाँ पर है, इस पर लिखा भी है अल्लाह। भाई एक नंबर है, बंद है, काफी बड़ी मस्जिद है भाई मेरे भाई। एक रास्ता ये बंद कर रखा शायद यहाँ से, हाँ बेज मार रखा है, कोई हो नहीं अपने को चलना है आगे। गगन भाई एक नंबर, तो भाई देखो तो भाई देखो कहाँ कहाँ से रास्ते, देखो कहाँ कहाँ अंदर जाने के रास्ते भाई साहब। ब्लॉग में काफ़ी अच्छा आने वाला है आपको यहाँ पे ब्लॉग भाई। भाई अगर मैं आ जाओ ध्यान से आना भाई, काफ़ी बड़ा एरिया है। भाई तो ये है अपना माशाल्लाह, एक पालिशन ये है मस्जिद का नीचे का, सारे पालिशन मस्जिद के बने हुए हैं काफ़ी, जो कि अभी किसी किसी को पता है जगह रास्ता काफ़ी अच्छा है। और अभी देखते हैं यहाँ पर मस्जिद भाई, तो ये सारी गुफाएं हैं नीचे भी सारी है, काफ़ी हॉन्टेड प्लेस लग रहा है एकदम भाई। एक बंदा वाले साथ में लेके आते हैं, भाई इधर दिखाना, इधर दिखाना, अंदर काफ़ी अंधेरा हो रहा है यार, काफ़ी बड़ी मस्जिद है भाई, तोता भी है। गगन भाई टॉर्च देख कर चलो अंदर, बुलाऊँ किसी को, बुलाऊँ क्या, बुलाऊँ भाई तुम चलो आगे पहले, गगन भाई तुम चलो साथ में एक बार। अब भाई क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, अब बिल्कुल काला काला अंधेरा हो रहा भाई, मस्जिद तो काफ़ी नीचे से है, बढ़िया भाई। हाँ भाई 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 भाई, भाई तुम यहाँ पर देखो, देखो मैं तुम्हें बताऊँ, देखो ये पूरा खाली है और कपल का स्पॉट भी काफ़ी अच्छा है, देखो एक पालिशन बना हुआ है, इतना गंदा काम कर रखा, बताओ कपल के लिए भी। ओहो भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा भाई, देखो किस तरह से नाम बंदे लिख रखा रखे, मतलब कोई अदब ही नहीं है इस चीज़ का भाई, मस्जिद के अंदर भी यार लोग बंदे सब बैठ रहे हैं। नहीं नहीं भाई वो भाई एक नंबर भाई एक नंबर, देखना भाई इधर देखा ना, अब भाई सारे पार्टी है ना मस्जिद के, देखो सो भाई एक नंबर भाई एक नंबर। अरे दादा भाई ये जाने का ऊपर का रास्ता, हाँ जहाँ से भी आते हम, और एक नीचे का एक ऊपर है पार्टीशन भाई, काफ़ी मतलब के ये मान लो सब भाई। ओ भाई आ जाओ ध्यान से आइयो, आ गया भाई, वो देहरा है फट रही है मेरे यहाँ पर, आ जाओ भाई। भाई यहाँ तो भाई टॉर्च मार मार के चलना पड़ रहा भाई, टॉर्च मार लोगे कल, भाई टॉर्च ला रहा हूँ मैं, अंधेरा हो रहा है भाई। ओ भाई कितना अंधेरा है मस्जिद में भाई, हाँ ये मस्जिद है, आ जाओ आना तो आ जाओ, अच्छा आ जाओ, लेकिन आना अजी मेरा मुंह है
आजा भाई आजा, एक बार को तो मेरे हाथ टाइट हो गए। ओ भाई वाह वाह, ऐसा नहीं भाई, इतने में मेरे पैंट टाइट हो गए भाई। गगन भाई क्या नेचर लग रहा था, हॉरर सीन एकदम, लगा था कोई चुड़ैल आ जाएगा मेरे पास। ओ भाई भाई मैं तो नहीं जाऊँगा नीचे, नीचे के मारा थे। ओ भाई पहले सांस लूँगा बैठ कर, आप थक गए मैं तो। गगन भाई बैठो तो फाइनली भाई अपना जो मस्जिद का जो ब्लॉक था काफ़ी, हम वहाँ से गए थे ऊपर से, फिर यहाँ से अंदर अंदर होते हुए ऐसे घूमे, फिर ये पूरा पार्टीशन ब्लॉक करा हमने, वहाँ से नीचे गए थे और नीचे बाद गुफाओं में गए इसकी। भाई पूरा खंडर टाइप था बट मज़ा नहीं आया, हॉरर सीन लग रहा था, मैं थक भी गया। दूसरा चीज़ था कपल, भाई अंदर कपल बैठे हुए थे भाई, मैंने लगा साथ कुछ होने वाला है, पर यहाँ तो कपल मजे ले रहे हैं भाई, पर क्या हिसाब किताब था भाई। भाई आओ भाई, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, आओ रहा के देखो भाई, शायद फ्री का आओ, 2500 रुपये लग रहे हैं, मात्र 2500 रुपये, आप आओ फुल इन्जॉयमेंट करके जाओ यहाँ से। तो हौज खास का नाम जो था किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में उसका नाम रखा गया था हौज खास, इसी के नाम से आपका मेट्रो स्टेशन है, यहाँ का जो स्टेट है वो जो आपका जो इलाका है हौज खास के नाम से जाना जाता है। 20वीं शताब्दी में दिल्ली में जब दिल्ली की कुर्सी पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था, अपने राज्य के लिए पानी की पूर्ति करने के लिए हौज खास के अंदर पानी का इंतज़ाम कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो मैंने आपको दिखाया था जो शाही तालाब जो था उसका शाही तालाब नाम है उसका, वो जो पीछे हम देखते हुए आ रहे थे, एक बार दिखा देना पीछे जो सारा पानी का जो स्ट्रक्चर अभी भी है सामने। तो यही उसने अपने राज्य के लिए यहाँ पर पानी की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर उसका निर्माण कराया गया था। हौज खास एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी का टैंक, रॉयल पानी का टैंक, तो इसका पूरा नाम है जो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, रॉयल पानी का टैंक, हौज खास, हौज मीन्स पानी का टैंक, रॉयल मीन्स जो हौज खास मतलब रॉयल, रॉयल इंसानों के लिए जिन्होंने बनाया था, तो हौज खास रॉयल पानी का टैंक भी इसका नाम है, शाही तालाब भी इसको बोलते हैं, और भी बहुत चीज़ें। अब इस टाइम जो उसको नाम दिया गया है, एक झील का नाम दिया गया है इसको, झील के नाम से अभी ये आकर्षित चल रही है। और मैं आपको एक चीज़ फ्री रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, प्लस मैंने आपको इस ब्लॉग पर दिखाया है नीचे जाके, अंधेरा भले था बट वहाँ कपल लगे हुए थे, तो आप आ सकते हैं मात्र 20 रुपये के अंदर अपना, वो ये तो खैर 500-700 का तो होता ही होता है, मगर 20 रुपये के अंदर टिकट है, नीचे अपना बेसमेंट है, काफ़ी अच्छा घूमने की जगह है, आप घूमने आ सकते हैं अपने कपल के साथ। अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी भी चीज़ें बनाई थी मैंने अभी जो जो देखी, मस्जिद, मदरसे, तीन वाली मीनार वाली गुम्बद, तो उसका जो अपना जो नहर थी शाही नहर वो, उसके बाद अभी जो लास्ट है उसके अंदर है आपका अकबर का मकबरा, तो अभी अकबर का मकबरा भी दिखाएंगे आपको लास्ट का, जहाँ पर उनकी कब्र बनी हुई है। तो मेरे जो राइट साइड में ये आपका अकबर का मकबरा है, एंट्री गेट यहाँ से इसकी, अकबर का फिरोज शाह अकबर, तो ये है फिरोज शाह अकबर का मकबरा, पहला जो हर कहीं मिलता है आपका, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, वही आकर्तिक मुस्लिम कल्चर में जो अपनी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है उर्दू, उसी के अंदर लिखा हुआ है आपका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और भी कर्मे लिखे हैं इसके अंदर। और उसके बाद अंदर का यह है व्यू दिखाता हूँ भाई, खुला हुआ है तो आजा, खुला हुआ भाई, खुला हुआ है भाई, मैंने खोल दिया तो खुल रहा है, आजा 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 सबको। ओ भाई भाई जूते खोले ना अपने अपने, आ जाओ माशाल्लाह भाई। तो ये है भाई रोशा अकबर का मकबरा, तीन कवर चार कवर हैं इसमें, अंदर देखो भाई कल में लिखे हुए सारे, भाई क्या है चीज़, तबाही एकदम भाई तबाही, और काफ़ी अच्छे अच्छे बने हैं भाई मकबरे भी भाई। तो मेरा कहना यही है आप एक बार विजिट करें यहाँ पर, कब्रें काफ़ी चटकी भी हैं, पक्की कब्रें बनी हुई है। तो भाई फाइनली जो अपना था ब्लॉग यहाँ का, अभी यहाँ का ब्लॉग पूरा होता है, हमने फिरोज़ शाह अकबर का जो मकबरा था वो भी देख लिया है, और अभी इसके बाद यहाँ का हमारा ब्लॉग पूरा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब करें, और आपका भाई होस्ट दोस्त मोहम्मद अकील और गगन लौटेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, तो बने रहे इस ब्लॉग के अंदर डेली बाइट ब्लॉग।